Good afternoon, friends. I'm very happy to announce, along with me, Mr. Yash Daima is there, who is recently been selected as JRF. बहुत कम विद्यार्थी JRF होते हैं लॉ से, और मुझे खुशी है कि हमारे स्टूडेंट यश दाइमा जी इस साल के JRF में सफल हुए हैं. तो मैंने इनसे अनुरोध किया था, आई हैड रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज़ कम एंड शेयर हिज सक्सेस स्ट्रेटजी. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स LLB के बाद LLM करते हैं और उसके बाद नेट का JRF का एग्ज़ाम देते हैं. तो आई फील कि बीइंग ए JRF इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड. तो दैट इज़ व्हाई आई रिक्वेस्टेड यश दाइमा कि भाई आओ, हमारी क्लास में आओ और एक बार सभी व्यक्तियों को सफलता के सूत्र बताएं. यश दाइमा जी. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी और अपनी जो पूरी जर्नी रही, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम में, इसको फील करने में कि ये पूरी जर्नी में मेरे क्या स्टडी मटेरियल रहा, क्या मेरी अप्रोच रही, तो इन सबको मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. एंड अगेन थैंक यू व्यूअर्स, जो भी आप सब वीडियो देख रहे हैं कि आप मेरी जर्नी जानना चाहते हैं, थैंक यू सो मच. मैं अपनी जर्नी से पहले जो मेरी अप्रोच रही है नेट को लेके, इस एग्जाम को लेके, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. देखिए, हर एग्जाम की एक तासीर होती है, एक अप्रोच होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले. नेट एग्जाम की भी एक तासीर है और वो दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी अलग है. जैसे मैं कहूंगा, आप अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेयर एक्ट के ऊपर रिलाय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना मैं जानता हूं और मेरे ओपिनियन में ये है. नेट के लिए मैं कहूंगा इट्स मोर अ फिलोसॉफिकल एग्जाम, एक बहुत फिलोसॉफिकल एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम होता है. आपको बहुत इन डेप्थ टॉपिक्स को देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बेयर एक्ट से हो, वो कहीं से भी आ सकते हैं. और बुक्स को पढ़ना मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. एंड वन बाय वन मैं दोनों ही पेपर्स के बारे में इस वीडियो में बात करना चाहूंगा, पेपर टू अलॉन्ग विद पेपर वन. पेपर वन जनरल पेपर है जैसा आप सभी जानते हैं. सो आई स्टार्ट विद पेपर सेकेंड, जो लॉ पेपर है, मेरे सब्जेक्ट का एग्जाम है, कि मेरी क्या अप्रोच रही है, क्या मेरा स्टडी मटीरियल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. सो ये नेट का सिलेबस है जो मेरे पीछे है. सबसे पहले यूनिट वाइज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनिट वाइज हम देखते हैं, यूनिट वन ज्यूरिसप्रूडेंस. इस एग्जाम, इस यूनिट को लेके जो मेरा एक अप्रोच थी वो ये कि ये पूरा बुक बेस्ड स्टडी है. आपको इस यूनिट के लिए कंप्लीटली बुक ही पढ़नी पड़ेगी, बेयर एक्ट्स तो है ही नहीं इस यूनिट के लिए. और मैंने जो बुक प्रेफर करी थी वो थी परांजपे, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है. मैंने कंप्लीटली ये यूनिट इसी बुक से कंप्लीट करा था. एंड मैं एक चीज यहां पर नोट डाउन करना चाहूंगा कि बुक के साथ साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट में देखना है वो है डेफिनेशंस. डेफिनेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे यूनिट में. जितने भी जूरिस्ट ने जूरिसप्रूडेंस को डिफाइन करा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस यूनिट का. अलोंग विद दैट मैं कहूंगा कि इस यूनिट के अंदर आपको टेबल फॉर्म के अंदर अपने नोट्स को बिल्डअप करना चाहिए. जूरिसप्रूडेंस में जैसे जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इस यूनिट से,
नंबर वन, जूरिस वो किस स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने क्या बुक लिखी है, उनकी क्या फेमस सेइंग्स हैं, एज वेल एज उन्होंने क्या थ्योरी डेवलप करी है। फेमस सेइंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, किसी भी जूरिस ने अगर कोई इंपॉर्टेंट बात कही है बुक में अगर आपको लिखती है तो प्लीज उसे हाईलाइट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और होते आ रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो होते आ रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए 10 पॉइंट्स हैं, लास्ट के जो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे ये कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर है। ये तीनों पॉइंट्स आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर मिलेंगे। ऊपर के जो 7 पॉइंट्स हैं ये सातों पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इस तरीके से यूनिट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इस यूनिट के लिए मैंने जिस बुक को रेफर करा जैन पांडे, मैंने जैन पांडे को रेफर करा है इस यूनिट के लिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मेरे ओपिनियन में, और बहुत अच्छी बुक है, आप सभी लोग इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अगेन इस यूनिट के लिए मैं कहूंगा अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज है और वो है केस लॉस एंड सोर्सेस। केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो उन्होंने बोरो करा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, भले यहां पर ना लिखा हुआ हो लेकिन मैं कहूंगा कि आप प्लीज सोर्सेज को पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ मैंने मेरे नोट्स में एक और चीज एड ऑन की थी और वो थी अमेंडमेंट लिस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई थी, बट जो सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहे हैं, जैसे 42nd, 44th, 73rd, 74th एंड 99th, 100th, मैं कहूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं आप सभी इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। जो मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूंगा वो है यूनिट नंबर 3rd, PIL, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, अगेन मेरी जो अप्रोच रही इस यूनिट को लेके वो कंप्लीटली बुक बेस्ड थी और एसके कपूर से मैंने इस यूनिट को कंप्लीट करा। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मैं कहूंगा मेरे ओपिनियन में, अगेन बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इस बुक को रेफर कर सकते हैं अपनी नेट की जर्नी के लिए, नेट की प्रिपरेशन के लिए। ये यूनिट कंप्लीटली इस बुक में से कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारे टॉपिक्स इस बुक में मिलेंगे। अगेन लास्ट 2 पॉइंट्स 9 एंड 10 ये आपके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर बेस्ड है, आपको ये 2 पॉइंट्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से मिलेंगे जिसमें कन्वेंशंस प्लस प्रोटोकॉल्स आपको दोनों कवर करने हैं। कन्वेंशंस में मैं कहूंगा जेनेवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन एंड पेरिस कन्वेंशन, ये 3 कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है IHL में पढ़ने के लिए, आप प्लीज इन 3 कन्वेंशन को तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्क करके जरूर पढ़ के जाइएगा जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से आते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा कि यूएन चार्टर जो है, यूएन चार्टर, आप प्लीज इस पूरे चार्टर को मैं कहूंगा आपके टिप्स पे होना चाहिए। यूएन चार्टर से हर साल इस यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। यूएन चार्टर इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, ऑल्दो मेंशन कहीं भी नहीं है यूएन चार्टर इस यूनिट में, लेकिन यूएन चार्टर से क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं और होते आए हैं अब तक एग्जाम में। इसके अलावा मैं कहूंगा केस लॉज, अगेन यहां पर भी केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं बिकॉज केस लॉज से क्वेश्चंस काफी आते हैं इंटरनेशनल लॉ से भी। Now, I'll discuss Unit 4,
which is international law of crimes unit number 4. ये यूनिट एक बेयर एक्ट बेस्ड यूनिट है. इसमें आपको बेयर एक्ट देखने को मिलेगा आईपीसी, प्लस आपको बुक भी रेफर करनी होगी. आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको बुक से भी करने पड़ेंगे, बिकॉज इस यूनिट में मिक्स्ड अप्रोच है. आपको टॉपिक्स बेयर एक्ट से भी मिलेंगे और बुक से भी मिलेंगे. लाइक पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, ये दोनों पॉइंट नंबर 10 स्पेशली आपको बुक बेस्ड मिलेगा. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 भी आपको ये बुक बेस्ड अप्रोच मिलेंगे. आप ये टॉपिक बुक से ज्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे. जो बाकी सब टॉपिक्स हैं, मैं कहूंगा आप बाकी सब टॉपिक बेयर एक्ट से इजीली कर सकते हैं, और बेयर एक्ट की स्टडी इस यूनिट के लिए मैं कहूंगा बेस्ट है. वहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्लस इलस्ट्रेशंस. प्लीज बेयर एक्ट से आप इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. आपके पेपर सेकंड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन. केस लॉज, मैं अगेन कहूंगा केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट के लिए भी बहुत केस लॉज रिपीट होते हैं. आपको मेंस रिया के ऊपर केस लॉज देखने को मिल जाएंगे. यूनिट नंबर 5, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अगेन ये यूनिट दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. आप देखेंगे पॉइंट नंबर 8, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. भले ये नेट के सिलेबस में आपको 1986 का एक्ट मेंशन हो, लेकिन पिछले दो साल से आपको जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे वो सबसे लेटेस्ट एक्ट के रिपीट होंगे, और वो एक्ट है 2019 का. आपको क्वेश्चंस 2019 से ही देखने को मिलेंगे. मेरे इस एग्जाम में भी 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहीं से क्वेश्चंस आए थे, ऑल्दो आपको फिर भी सिलेबस के अंदर 1986 मेंशन कर रखा है. इसके अलावा यूनिट नंबर 9, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988. आपको तीन टॉपिक्स ही इस पूरे बेयर एक्ट से देखने को मिलेंगे. सिलेबस में और एनटीए ने सिर्फ तीन ही पॉइंट्स को मेंशन कर रखा है फॉर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988. इसके अंदर चैप्टर नंबर जो आपको देखने को मिलेंगे विच आर 9, 10 एंड 11. तो मैं कहूंगा कि आपको ये तीन चैप्टर्स को ही इसके अंदर टारगेट करना है फॉर पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 10 विच इज अनादर एक्ट विच इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. एनटीए ने पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है कि इस एक्ट से आपको क्या पढ़ना है, और वो है सेक्शन नंबर 3 विच इज प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन अग्रीमेंट्स, एंड सेक्शन नंबर 4 विच इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस विच इज सेक्शन नंबर 6. तो आपको ये तीनों सेक्शंस पॉइंट नंबर 10 के लिए टारगेट करने. एंड फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 7, दीज 7 पॉइंट्स आर फॉर टॉट्स. आपको ये सातों पॉइंट्स टॉट से पढ़ने हैं, और इसके लिए मैं कहूंगा एक बुक बेस्ड यूनिट है ये. अगेन नीचे के तीनों पॉइंट्स एक बेयर एक्ट बेस्ड स्टडी है. आपको बेयर एक्ट से ही तीन पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, एंड 7 पॉइंट्स आपको बुक से ही कंप्लीट करने हैं. आप मार्केट से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, जो आपको ईजी लगे और कन्वीनियंट लगे. मेरी अप्रोच में आप फ्रॉम पॉइंट सातों पॉइंट उसके लिए कंप्लीट कर सकते हैं. टॉट्स के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं नीचे के, इनके प्लीज इन्फोर्समेंट डेट्स आप जरूर देखकर जाइएगा. इन्फोर्समेंट डेट से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और कभी कभार ये होता है कि इन यूनिट से एक दो क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, तो वो एक दो क्वेश्चंस में भी इन्फोर्समेंट डेट्स के क्वेश्चन जरूर होते हैं. यूनिट नंबर 6, कमर्शियल लॉ. मैं कहूंगा इस पूरे सिलेबस में, या मैंने जब स्टार्ट करी मेरी पढ़ाई नेट के लिए, तो मुझे सबसे लेंदी यूनिट यूनिट नंबर 6 लगता है, और लगता था जब भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं. कमर्शियल लॉ बहुत एक लेंदी यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखने, सॉरी आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिलेगा. इसके साथ साथ सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एंड LLP, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एंड कंपनी लॉ एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट. आपको कुल मिला के इसके अंदर 5 बेयर एक्ट देखने को मिलेंगे, और ये कंप्लीटली एक बेयर एक्ट बेस्ड स्टडी है. इसी तरीके से आपको इन सभी यूनिट्स के लिए आपको मैं कहूंगा इन्फोर्समेंट डेट इनमें भी आपको करना है, बिकॉज क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत चांसेस हैं कि वो आपसे इन्फोर्समेंट डेट्स पूछें इन एक्ट्स के बारे में. कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कहूंगा अगेन केस लॉस के ऊपर आप
फोकस रखिएगा, केस लॉ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि नेट एक कंप्लीटली फिलोसफिकल पेपर है, बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम है, आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट ना देखने को मिले, बहुत इनडेप्थ मिले, तो प्लीज आप बुक भी रेफर करिएगा अलॉन्ग विद योर बेयर एक्ट। बुक के लिए मैं कहूंगा आप एसके बुक के लिए बांग्या बुक मार्केट में अवेलेबल होगी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, तो आप बांग्या रेफर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 7 फैमिली लॉ। ये फैमिली लॉ के लिए जो मेरी अप्रोच रही है एग्जाम के अंदर, और जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बुक्स को देखा और जो मैंने चीज देखी कि ये कि फैमिली लॉ में आपके हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ, ये दोनों ही आपके फैमिली लॉ के अंदर कवर होते हैं। ऑल्दो कहीं भी मेंशन नहीं है, लाइक फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 आपको नहीं पता लगेगा कि ये हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहे हैं या मुस्लिम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, आपको नहीं पता लगेगा कि हिंदू लॉ के बारे में है या मुस्लिम लॉ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोनों को ही टारगेट करें इस यूनिट के लिए, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। आप ये कंफ्यूजन ना रखें कि हमें सिर्फ हिंदू करना है या सिर्फ मुस्लिम। मैं कहूंगा आप दोनों को ही टारगेट करें इस पूरे यूनिट के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूनिट में मेंशन नहीं है, वो है मुस्लिम लॉ के बेयर एक्ट्स। मुस्लिम लॉ के जो बेयर एक्ट्स हैं, मैं कहूंगा आप इनको जरूर टारगेट करें इस यूनिट के लिए, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, वन ऑफ द एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिट नंबर 7। अपार्ट फ्रॉम इट द मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019, ट्रिपल तलाक एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एक्ट है मुस्लिम लॉ के लिए, जजमेंट भी है। सो इस एक्ट को आप अच्छे से देखकर जाएं, और ये बहुत माइनर एक्ट्स हैं, हार्डली 4-5 सेक्शंस आपको देखने के मिलेंगे इस इन बेयर एक्ट्स में। एंड अनदर वन इज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986। तो आप ये तीनों ही बेयर एक्ट्स जरूर देखें फॉर यूनिट नंबर 7। अपार्ट फ्रॉम दिस कंप्लीट सिलेबस, आपको ये सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही है, इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि आप एक बार ये भी देखें क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगेन मैं आपको कहूंगा केस लॉस क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं केस लॉस से भी, इस यूनिट के लिए भी केस लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूनिट नंबर 8 एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। अगेन ये यूनिट दो पार्ट के अंदर बढ़ चुका है, विच इज एनवायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। देखिए मैं कहूंगा फ्रॉम 1-5 यू आर हैविंग एनवायरमेंट लॉ, एंड फ्रॉम 6-10 यू आर हैविंग ह्यूमन राइट्स लॉ। दो पार्ट के अंदर बटा है तो आपको दोनों ही जो यूनिट है या दोनों पार्ट्स हैं उनको अलग एक स्टडी मटेरियल से पढ़ना होगा, एक बुक में शायद आपको ये देखने को ना मिले। एनवायरमेंट के लिए मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हर साल मैं कहूंगा फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आया है, हमेशा पुटअप हुआ है एग्जाम में, और इस बार भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसके लिए एनजीटी का मैं कहूंगा बेयर एक्ट भी पढ़ लें एक बार, स्पेशली इनके जो स्केड्यूल है आप उसको जरूर पढ़ लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी पॉइंट नंबर 2 जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, आप इनको जरूर अच्छे से पढ़कर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए भी, क्वेश्चंस यहां से भी बहुत बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि बेयर एक्ट्स जो भी एनवायरमेंट के लिए अवेलेबल है आप उनको इंडेक्स से ही स्टडी करके अगर चले जाएंगे तो मैं कहूंगा बहुत हेल्पफुल होंगी, बिकॉज इंडेक्स बेस्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो कंप्लीट पेपर 2 बहुत वास्ट है, बहुत लेंथी सिलेबस है, इसीलिए इसको पूरा कंप्लीट करना खुद में एक डिफिकल्ट टास्क है। सो विद हार्ड वर्क यू नीड अ स्मार्ट वर्क। मेरा ये ओपिनियन है कि आप इंडेक्स बेस्ड स्टडी इन बेयर एक्ट्स की जरूर करके जाएं, अगर टाइम रहता है आप बुक्स पढ़िए या और आप बेयर एक्ट को अच्छे से करिए, लेकिन अगर टाइम कम बचता है पेपर आने में है तो मैं कहूंगा इंडेक्स की स्टडी या इंडेक्स को एक बार रीड जरूर करके जाएं, बहुत हेल्पफुल रहता है, क्वेश्चन इंडेक्स से भी डायरेक्ट पुट अप होते हैं। सेकंड ह्यूमन राइट्स एक कंप्लीट मैं कहूंगा बुक बेस्ड, इसके लिए आपको मैं नहीं कहूंगा कि आपको बेयर एक्ट की एसेंशियल है। UDHR 1948
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा आप जरूर यूडीएचआर को कंप्लीटली पढ़ें, जितने भी आर्टिकल्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, और अगेन एक टेबल फॉर्म में अगर आप बना लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज यूडीएचआर 1948 कहीं भी मेंशन नहीं है ऑल्दो, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे पॉइंट्स हैं जो एनटीए ने सिलेबस में नहीं डाले हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन टॉपिक्स को भी इनके साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 9 आईपीआर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, अगेन दो पार्ट के अंदर ये बटा हुआ है, एक आईपीआर का पार्ट है, एक आईटी लॉ का पार्ट है। मैं कहूंगा आईपीआर के लिए जितने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इस यूनिट के अंदर, आई फील आपको जो कंप्लीट लास्ट के जो दो पॉइंट्स हैं वो आपको आईटी लॉ से रिलेटेड मिलेंगे, बाकी जो आठों पॉइंट हैं ऊपर वो आपको पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से मिलेंगे। मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जितना आपको इस यूनिट में दे रखा है वो मोर देन इनफ है, बहुत एक कंप्लीट है। क्वेश्चंस हमेशा सिर्फ इसी यूनिट से, इसी सिलेबस से बनते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने किसी चीज को पढ़ा अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस जो यूनिट नंबर 9 के लिए है। यूनिट नंबर 9 के लिए मैं कहूंगा 9 और 10 जो आईटी लॉ के लिए बात करते हैं, आईटी एक्ट 2000, आई वुड से इस एक्ट को आप अच्छे से देखें, और वो भी डेफिनेशंस, डेफिनेशन से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। मैं कहूंगा डेफिनेशंस को आप बहुत अच्छे से देखें, डेफिनेशन से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, आईटी एक्ट 2000 से मैंने इनको यहां से पढ़ा था। प्लस आप साइबर क्राइम्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से देखकर जाएं, साइबर क्राइम्स को बेयर एक्ट से एक बार आप सेक्शन के थ्रू कंप्लीट एक सारे जितने साइबर क्राइम्स उनको एक बार रीड करें। बाकी आईपीआर के लिए मैं कहूंगा मोर देन इनफ है, जो आपको पूरे 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं आप इन्हीं को कंप्लीट कर सकते हैं, एंड यू कैन रेफर बेयर एक्ट। बट मैं कहूंगा अगेन बेयर एक्ट के लिए भी एक इंडेक्स बेस्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप इंडेप्थ स्टडी भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंडेक्स बेस्ड स्टडी इज क्वाइट इनफ फॉर दिस यूनिट। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10 कंपेरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। देखिए ये यूनिट बहुत मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा कि मैं इस यूनिट को किस तरीके से कंप्लीट करूं, बिकॉज इसके लिए मटेरियल मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन ये पिक करना कि राइट बुक, एक राइट स्टडी मटेरियल इस यूनिट के लिए क्या होगा, वो बहुत मेरे लिए मुश्किल था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेरे ओपिनियन में ये पूरा यूनिट एक गूगल बेस्ड यूनिट है, आप जितना इस यूनिट के बारे में गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो बहुत हेल्पफुल होगी, और सारे यूनिट्स मतलब सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीटली गूगल के ऊपर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। मैं कहूं ओम्बड्समैन, ओपन गवर्नमेंट, कंपेरेटिव लॉ के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से गूगल के ऊपर मिलेंगे, और मेरी अप्रोच रही कि मैंने इसको गूगल से कंप्लीट करा, मैंने सारे पॉइंट्स गूगल से निकाले और मेरे नोट्स जो बनाए मैंने वो गूगल से बनाए इस यूनिट को लेकर। मैं कहूंगा इस यूनिट के लिए जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वो ये कि आप ओम्बड्समैन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, और लोकपाल एक्ट जो है एक बार लोकपाल एक्ट को आप जरूर देख कर जाएं। लोकपाल एक्ट मेंशन नहीं है अगेन, लेकिन मैं कहूंगा क्वेश्चंस लोकपाल से भी रिपीट होते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी लोकपाल के क्वेश्चंस काफी देखे, सो इन माय ओपिनियन आप लोकपाल एक्ट जरूर एक बार देखकर जाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पूरा एक अप्रोच रही, मेरी एक पूरी स्टडी रही पेपर टू के लिए, जो भी मैंने बुक्स रेफर करी, जो भी मेरा एक स्टडी मटेरियल रहा और मेरी अप्रोच इस पेपर को लेके। मैं कहूंगा लॉ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो की है इस पूरे पेपर को क्रैक करने की, वो है रिविजन, एक कंप्लीट थॉरो रिविजन अगेन एंड अगेन। जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करिए, मैं कहूंगा अपने यूनिट्स को आप रिविजन पे डालिए, अगेन एंड अगेन आप अच्छे से रिविजन करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पीआईएल, जूरिसप्रूडेंस, लॉ ऑफ क्राइम एंड टॉर्ट्स। मैं कहूंगा आप इन 5 यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज इन 5 यूनिट्स का जो शेयर रहता है इस पूरे एग्जाम में, एक बहुत अच्छा मेजॉरिटी शेयर रहता है इन 5 यूनिट्स का। मैं नहीं कहूंगा बाकी यूनिट्स काम के नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 5 यूनिट फॉर पेपर 2 एक स्मार्ट अप्रोच के लिए आप इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, इनको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।
एंड फॉर पेपर वन मैं कहूंगा, पेपर वन के लिए केवीएस मदान एक बहुत अच्छी बुक है. मैंने उसी बुक से अपना कंप्लीट करा जितना भी मेरा पेपर वन का सिलेबस है. एंड आई वुड से फॉर पेपर वन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाएं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपनी अप्रोच जो पेपर वन के लिए रखी वो ये कि मैं हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, स्पेशली फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. मैं ये पांचों यूनिट्स के लिए एवरी डे आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस. आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस फॉर एवरी यूनिट आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड एक डीआई रोज की मैं कहूंगा, अगर आप एक डीआई हर रोज सॉल्व कर रहे हैं, एक से दो डीआई, आपको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बहुत इजीली आप डीआई सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में. और काफी मैं कहूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी डीआई सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं हर दिन एक एक डीआई सॉल्व करता चला गया, डीआई में आउट ऑफ 5 आई वॉज स्कोरिंग 4 मार्क्स इजिली, कोई दिक्कत नहीं थी. पेपर वन आप कंटिन्यूस रखिए, इस पूरी जर्नी में आप पेपर वन को मत छोड़िए. पेपर वन के लिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 to 1.5 hours एवरी डे, क्वाइट इनफ, आप बहुत अच्छे से अपना पेपर वन प्रिपेयर कर रहे हैं. फॉर पेपर टू मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, बिकॉज पेपर टू आपका सब्जेक्ट पेपर है, आपने लॉ में भी पढ़ा है, एलएलएम में भी पढ़ा है, तो आप पेपर टू पे ज्यादा फोकस रखिए. और एक 100 नंबर का पेपर है, सीधा डबल शेयर है पेपर वन से, तो वहां आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं. दैट्स ऑल, ये मेरी पूरी जर्नी रही और यही मेरी अप्रोच रही इस पेपर को लेके. आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आप लोग जरूर इस एग्जाम को क्रैक करें. एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इन्वाइट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं. सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स. इट वॉज रियली अ वेरी गुड इनसाइट. बहुत ही अच्छा समझाया गया कि आप कैसे नेट / JRF को क्लियर किया जा सकता है. यदि आप और हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक कर सकते हैं और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का वीडियो देख सकते हैं. आप यदि राइट साइड में क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दैट वीडियो कंप्राइजेस ऑफ हाउ टू क्लियर जुडिशरी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एक्सपेक्टिंग दैट वी विल सी यू सून. थैंक्स अ लॉट.